आज हम सर्वर 2012 में डेस्कटॉप आइकन देखेंगे कि हम डेस्कटॉप के आइकन को कैसे लेके आते हैं। उसके लिए हमें जाना है सर्वर मैनेजर में। सर्वर मैनेजर में जाने के लिए हम ये टास्क बार पे सर्वर मैनेजर का ये वाला आइकन है, इस पर डबल क्लिक करके हम सर्वर मैनेजर पे जाएंगे और सर्वर मैनेजर अपना ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम देगा ये। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा सर्वर मैनेजर जो है ओपन हो चुका है। हम जाएंगे मैनेज में, ऐड एंड रोल फीचर में, ऐड रोल एंड फीचर को क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपके पास ये वाला डिटेल आएगी पूरी फिगर, आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। देन आपको सारी चीज़ें स्किप कर देनी है, इस पर है तो फिर से नेक्स्ट पे। फिर हम जाएंगे फीचर में, फीचर पर जाके हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। यूज़र इंटरफेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तीन जो सर्विसेज हैं उनमें से दो इंस्टॉल हैं। हमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो है क्लिक करके ऐड फीचर करना है इसको। आपके आप देख रहे होंगे इसके आगे वो टिक आ गया है, इसको नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। इट विल टेक सम टाइम। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जो है क्लोज हो गई है। हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। जो येलो बटन है ये इसको है रिस्टार्ट के लिए आ रहा है, रिस्टार्ट पेंडिंग है। जैसे मैं इसको यहाँ से रिस्टार्ट करूँगा तो फिर क्या है जो ये डेस्कटॉप पे आइकन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं यहाँ से जाकर इसको रिस्टार्ट कर सकता हूँ। सर्वर दोबारा मैंने यहाँ से कर दिया इसको रिस्टार्ट। हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है। आपको हमेशा इसमें एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन करना है। फिर आप पासवर्ड डालेंगे। हेलो गाइस, तो ये हमारा जो है सर्वर जो है रिस्टार्ट हो गया है। अब हम राइट क्लिक करेंगे इस पे। अभी हमारे पास ये आइकन जो है डेस्कटॉप के नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे पर्सनलाइज पे। यहाँ पे आएगा ऑप्शन चेंज डेस्कटॉप आइकन का, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जो जो हमें आइकन रिक्वायर्ड है, देन अप्लाई देन ओके। यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब हमारे सारे जो आइकन है डेस्कटॉप पे आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।